गाइस हमने ये चिकन लिया है जो कि मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने थोड़ा ड्राई कर लिया है। तो हम अभी इसको जो है मसालों को मिला लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है 150 ग्राम दही ऐड करता हूँ, जो कि दही इसमें ऐड हो चुका है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगा, जो कि ऐड हो गया है। और इसे मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें जो है मैंने ग्राइंड की हैं वो इसमें मैं ऐड करता हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें जो है 1 टेबल स्पून जो है इसमें मैं नींबू का रस डाल देता हूँ, जबकि थोड़ा ज़्यादा है तो इसको मैं थोड़ा बचा लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसमें चिकन बिरयानी 1 टेबल स्पून ऐड करने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब मैं इसमें जो है 1 टेबल स्पून अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें नमक ऐड कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग खुद भी ऐड कर सकते हैं जैसा आपको लगता है टेस्ट के अनुसार। और इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड कर देता हूँ क्योंकि मैरिनेट होने में जो हमारे साबुत मसाले का टेस्ट होता है वो आ जाता है। 2 मैंने इसमें लौंग ऐड की हैं, 2 काली मिर्ची ऐड की हैं और 1 तेज़पत्ता ऐड किया है। बाकी की चीज़ें हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि ये जो हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो अच्छे से इसमें मिल जाएंगी। और हम इसको आधे घंटे तक जो है मिला के रख देंगे और आधे घंटे के बाद हम देखेंगे तो ये सारा जो टेस्ट है इन मसालों का चिकन में आ चुका होगा। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे के बाद हम इसको नेक्स्ट थिंग पे लेके जाएंगे। तो सो गाइस, जब तक कि हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तो हम जो है पानी बॉईल कर रहे हैं अभी, ताकि हम इसमें अपने राइस को जो है प्रॉपरली बॉईल कर पाएँ। तो अभी मैंने पानी चढ़ा दिया है, ठीक है। पानी मैंने जो है 1.5 लीटर पानी लिया हुआ है क्योंकि मेरे राइस जो हैं मेरे 1/2 kg राइस हैं। तो इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगा ताकि उनका फ्लेवर जो है चावल में आ जाए। तो मैंने 1 तेज़पत्ता इसमें डाला है, 1 बड़ी इलायची डाली है मैंने और 2 छोटी इलायची डाली है। साथ में मैंने इसमें 4 जो है काली मिर्ची डाली है, इसमें काली मिर्च डाल दी मैंने। 2 इसमें जो है लौंग डाल दूंगा, 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ ऐड कर दी। तो ये मसाले मेरे इसमें ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसका वेट करूंगा जब तक कि ये प्रॉपरली बॉयल ना हो पाए। इसमें मैं एक चीज़ और डालना भूल गया, रियली सॉरी, मैं वो भी चीज़ ऐड कर देता हूँ। इसमें हमको जो है 1 चम्मच जो है इसमें 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करना है ताकि हमारे राइस जो है बिल्कुल चिपके ना। तो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। साथ ही साथ मैं इसमें जो है 1 चम्मच नमक इसमें ऐड करता हूँ क्योंकि हमने 1 चम्मच नमक ऑलरेडी अपने चिकन में ऐड किया हुआ है। तो अब हमें इसका वेट करेंगे जो कि प्रॉपरली ये बॉयल ना हो जाए। 2 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे बॉयल करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, अभी हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं कि हमारा वाटर अभी बॉयल हुआ है नहीं हुआ है। सो ये जैसा कि मैंने कहा प्रॉपरली बॉयल होने लग गया है। अब हम इसमें अपने जो हमने राइस धो के रखे हुए हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। जैसा कि मैंने ये जो है बासमती के राइस लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये जो है कच्चे वाले राइस हैं। आप चाहें तो इसमें पके राइस भी ले सकते हैं, बट मैंने कच्चे राइस लिए हैं। सो मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसको हम 5 मिनट तक प्रॉपरली बॉयल होने देंगे। ध्यान रखें ओनली 5 मिनट तक। 5 मिनट में हमारे चावल जो है 70-80% जो है पक जाएंगे और बाकी की जो है कुकिंग हमारी चिकन के साथ रहेगी। तो हम इसको 70-80% रखेंगे। हम अपने वॉच में देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो टाइम है 58 हुआ है, हम यहाँ से 5 मिनट तक इसको रखेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 5 मिनट के बाद अपने चावलों को उतार के रख देंगे। 5 मिनट हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया था आपको 80% हमारे राइस प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम इनको जो है पानी से निकाल के इनको सुखाने के लिए, यानी कि इसे हम जो भी वाटर है इसको निकाल देंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो गाइज, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, पूरे 30 मिनट हो चुके हैं इसको। अब हम इसको जो है चिकन को तैयार करते हैं क्योंकि हमारा चावल वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं जो है इस चिकन को प्रिपेयर करता हूँ। तो अभी मेरी कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसको लो मीडियम फ्लेम पे रखूँगा। इसमें मैं जो ऑयल यूज़ कर रहा हूँ ये 150 ग्राम ऑयल है, रिफाइंड ऑयल मैं इसमें यूज़ करूँगा। इसको मैं थोड़ी देर होने दूँगा ऑयल को,
फिर इसमें मैं मसाला ऐड करूँगा। सो हमारा ऑयल हो चुका है, अब हमने जो है सबसे पहले हम इसमें प्याज ग्राइंड करेंगे, क्योंकि प्याज ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने जो है चार बड़े प्याज लिए हुए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम प्याज थे। अच्छे से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जैसे कि प्याज हम इसमें ग्राइंड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको कभी ये ना कि भाई इसको हाई फ्लेम पे आप जल्दी करें तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो वेट करो, 2 से 3 मिनट में प्याज आपका रेडी हो जाएगा। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे प्याज जो है हल्के ब्राउनिश हो चुके हैं, अप्रॉक्स से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी मुझे लगता है 1 से 1.5 मिनट अभी और लगेगा ताकि प्रॉपरली डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो चलो हम तब तक का वेट करते हैं, होने दो इनको। तो 2 मिनट हो चुके हैं कि हमारी प्याज प्रॉपरली जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हैं आप। और इसमें से मैं 1/4 पार्ट जो है इसका सेपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जो है लेयरिंग करते टाइम इसको यूज़ करना है। मैंने गैस की फ्लेम जो है लो कर दी है, अभी इसको मैं इस तरीके से निकाल देता हूँ। बाकी की प्याज हम इसी में रहेंगे। ठीक है, मैंने 1/4 जो है प्याज अपनी ले ली है। अब मैं इसमें जो है चिकन की तैयारी करूँगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने 10 से 12 जो है काली मिर्ची ली है, 7 से 8 मैंने इसमें लौंगे ली हैं, और 2 मैंने मीडियम साइज़ के जो टुकड़े हैं मैंने दालचीनी की है, जावित्री है, बड़ी इलायची है, 4 इसमें छोटी इलायची है, 2 इसमें जो है आपके तेज पत्ते हैं, सौंफ है 1/2 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद जीरा है। तो मैं इन सारी चीज़ों को जो है अभी अपने मसाले में ऐड कर देता हूँ और अच्छे से इनको थोड़ा सा फ्राई कर देता हूँ। और साथ ही साथ जो इसमें मैंने चिली रख रखी है, इसमें 5 चिलीज मैंने इसमें रख रखी, 4 हरी मिर्ची जो मैंने इसको चीरा लगा के रख रखा है, इसमें इसको ऐड कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने देखा कि मेरे मसाले इसमें प्रॉपरली ग्राइंड हो चुके हैं, अब इसमें जो मैंने मैरिनेट किया था चिकन, मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। चिकन को अच्छी तरह से हम मिला, चिकन को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इसमें और इसको पकाएंगे इसमें। इसमें आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सॉल्ट और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे स्मॉल टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया था। अब मैं इसमें 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड कर देता। स्टार्टिंग में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है मैंने बिरयानी मसाला डाला था, और 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इन मसालों के साथ हम अपने चिकन को 5 मिनट तक फ्राई होने देंगे, देन हम इसको बाद में ओपन करके देखेंगे। सो गाइज, अभी 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे चिकन को, हम देखते हैं कि अभी ये कैसा हो चुका है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और ये प्रॉपरली बन भी चुका है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा चिकन प्रॉपरली गल गया है, और अभी मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी रेड मिर्ची ऐड करना चाहूँगा। आप चाहें नहीं भी कर सकते, मैं इसमें 1/2 चम्मच रेड चिली ऐड करूँगा। और प्रॉपरली हमारा चिकन अभी रेडी हो चुका है। हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी कि हम इस चिकन के साथ में राइस की लेयरिंग करेंगे। तो अभी इसका हम 1 मिनट तक वेट करते हैं और देन हम लेयरिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 1 मिनट पूरा हो चुका है और हमारा चिकन अब प्रॉपरली रेडी है। इसको हमें अब जो है मिक्स करना है, लेयरिंग करना है। हमने अपना दूसरा एक भगोना चढ़ाया हुआ है, तो हम इस चिकन को उतार के इस भगोने में रख लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू एकदम बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छा पका है अभी। सारा जो है इसका मसाला इसमें डाल देंगे, इसको
रख के अब जो हम इसमें राइस ऐड करेंगे, ये हमने अपने राइस को सुखा लिया था, स्टीम राइस जो हमारे थे इसमें हम इसकी लेयरिंग करते हैं। इसको हम दो लेयर में बांटेंगे, तो हाफ राइस अभी हम इसको यहाँ पे लेयरिंग कर लेते हैं। चावलों में से भी अच्छी खुशबू आ रही है, तो पहले इसको कर लेंगे इस तरीके से। हमारे आधे चावल आ चुके हैं ऑलरेडी। अब जो है लेयरिंग करते टाइम हमें इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। इसमें मैं इसमें हरी मिर्च की लेयर लगाऊंगा, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में हमने जो स्टार्टिंग में जो कुछ प्याज बचाए हुए थे, अब हम उन प्याज की इसमें लेयरिंग करेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम नींबू के दो स्लाइसेस रख रखे हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें हरा धनिया डाल देंगे हम इस तरीके से, और दूसरी लेयर हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। हम दूसरी लेयर भी इसमें स्टार्ट कर देंगे। सारे चावल हमने डाल दिए इसमें। अच्छे से इसको फैला देंगे। जो हमारे प्याज हैं इसमें प्रॉपरली लगा देंगे इस तरीके से। हरी मिर्ची के जो पीसेस हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। अभी इसके बाद हम जो धनिया है हमारा, अभी हमारे पास पुदीना नहीं है, पुदीना रहता है तो हम पुदीना भी इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस देता है और बहुत अच्छा उसका टेस्ट भी आता है। अभी हम ये सारी चीज़ इसमें ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा बिरयानी मसाला डालेंगे। अप्रोक्सीमेटली मैं अपने अंदाजे से डाल रहा हूँ हाफ स्पून, नॉट मच, ओनली हाफ स्पून। और मैं इसमें कुछ कलर ऐड करना चाहूँगा, ये फूड कलर है तो इसमें रेड कलर में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, जो कि आप पे डिपेंड करता है। मैंने रेड कलर ऐड कर दिए हैं। इसमें नींबू का रस भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, जो कि एक तीखापन देता है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद दम करेंगे। अब दम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे तवे का यूज करेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने अपना तवा इस पे रख दिया है, और इसको हमें दम तब होने देना है जब हमारा तवा गर्म हो जाए। अभी ये प्रॉपरली गर्म हो चुका है। इसको इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और 10 मिनट तक हम इसको दम होने देंगे। बट दम होने के लिए क्या है, हमें इस पे थोड़ा सा वेट रखना होता है। तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इस तरीके से इस पे थोड़ा सा वेट रख देता हूँ और 10 मिनट तक मैं इसको दम होने दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारी बिरयानी कैसी रहती है। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि बिरयानी कैसी है। बिल्कुल बढ़िया बिरयानी बनी है, एकदम बढ़िया फ्रेश। अभी हम इसको सर्व करेंगे।